लोग दिन व्यापार नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नाच गाना होता है, मुजरा होता है, बाहर लोग जाती हैं, प्रोग्राम देती हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं लोग बहुत जगह जाती हैं। फिर भी, कहाँ कहाँ? अरे कहाँ बताएं, जब उन लोगों का धंधा ही है तो बिहार जाती हैं, गाजीपुर जाती हैं, बनारस जाती हैं, मिर्जापुर जाती हैं, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जाती अंबिकापुर। हैं। अभी हम लोग हैं बसुका गांव में, जिसको अभी कुछ दिनों से YouTube पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर धंधा हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, या फिर इन लोगों का पक्ष है कि नहीं, हम लोग सिर्फ नाच गाने करके मनोरंजन ही करते हैं। पहले के ज़माने से, जब अंग्रेजों का ज़माना था, उसके पहले मुगलों के ज़माने, उसके पहले राजा रजवाड़ों के ज़माने से ये मुजरा एक कला के रूप में देखा जाता था, इंटरटेनमेंट के साधन के रूप में। जैसे कि अभी जितना इंटरटेनमेंट के साधन है, उस जमाने में यही एक इंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। कहते हैं कि स्वर्गलोक में भी अप्सराएं हुआ करती थी जो इंटरटेनमेंट करती थी, तो वही परंपरा यहाँ पे भी चली आ रही है। लेकिन इसके पीछे बदलते समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन आ गया। जो इंटरटेनमेंट था, वो इंटरटेनमेंट की जगह पे एक कहेंगे कि अपराध के रूप में समाज में फैलने लगा। उसका कारण भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होने लगा था। और यहाँ पर लोग हैं जो इन्हीं के घर में बताया जा रहा है कि होता है, लेकिन अभी लोग कार्यक्रम करने गए हैं, तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे हम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ के नहीं है। हम डॉक्टर हैं, आए हुए पेशेंट देखने आए हैं। कहाँ पेशेंट देखने आए हैं? यहीं पे। अच्छा, कैसा पेशेंट? इनको। अच्छा, ये हैं, ये बताएंगी कि किस के कब से यहाँ पे आप लोग रहते हो? क्या नाम हुआ आपका पहले? हमको कुछ नहीं मालूम, हमारा भी दो मत आप लीजिए। अरे अपना नाम तो बता दीजिए कि नाम क्या हुआ आपका। अपना जो कह रही हैं कि गए हैं लोग परफॉर्मेंस करने, लोग कह रहे हैं कि देह धंधा करती हैं, तो आप ये तो बता सकते हैं, लोग देह धंधा नहीं करते, हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस ही करते हैं, सही बात, ये तो बता सकती है। हम लोग देह व्यापार नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नाच गाना होता है, मुजरा होता है, बाहर लोग जाती हैं, प्रोग्राम देती हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं लोग? बहुत जगह जाती हैं। फिर भी कहाँ कहाँ? अरे कहाँ बताएं, जब उन लोगों का धंधा ही है तो बिहार जाती हैं, गाजीपुर जाती हैं, बनारस जाती हैं, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, हर जगह। अच्छा, ये पहले के जैसे फिल्मों में देखा है, वो मुगले आजम में नाम मुझे याद आ रहा है कि जो गाती हैं मधुबाला जी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है? हाँ, मुजरा होता है वैसा ही। हाँ, पब्लिक आकर के बैठती है, गजरा उजरा लेकर के, शराब वराब चलता है और डांस होता है? नहीं है? शराब नहीं चलता फिर? है हमारे यहाँ वही मुजरा है। अच्छा, स्टेज भी मंच भी बना रहता है, जैसे वहाँ पूरा झालर और झूमर उमर लगा के शीशा उसा सजा करके, वैसा ही रहता है कि नॉर्मल रहता है? महफिल में स्टेज पर भी नाचती है और जमीन पे भी नाचती है। अच्छा, इसे मतलब कि अगर मुजरा होता है तो उससे पैसे भी मिलते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, कितना पैसा मिलता है, जो भी आता है पैसा देके जाता है? हाँ। कितना कितना देते हैं? फिक्स रहता है या फिर जितना तुम्हारे पास हो उतना दे दो? नहीं, फिक्स नहीं रहता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 15,000 भी लेता है, कोई 20,000 भी लेता है। हाँ, जो जैसा रहता है वैसा पैसा लगता है। हाँ। तो कौन कौन डांस करता है, किस किस तरह का डांस होता है? जैसे कि कहते हैं कि अपने भारत की एक संगीत परंपरा रहती है, ठुमरी हो गया, दादरा हो गया, गायन हो गया, कौन कौन से होते हैं हमको तो पता भी नहीं होता। हाँ, ये सारे गाने गाए जाते हैं पूर्वी गजल, छपरहिया, हाँ, ठुमरी, दादरा। तो आप भी गा लेते हो? नहीं, हम नहीं गाते हैं, हम उन लोगों के घर के नहीं है, मोहल्ले में के हैं। अच्छा, तो जानती हैं आप जो कौन कौन घर है इसमें, जो जहाँ पे मुजरा होता है ये एरिया में? यही सब है। अच्छा, ये वाला है, वो वाला है। हाँ, वो वाला है। कितने घर होंगे यहाँ पे जहाँ पे मुजरा होता है? 10-15 घर। मात्र 10-15 घर यहाँ पे होता है? हाँ, उधर भी है लोग 10-12। अच्छा, उस गांव में भी लोग है? हाँ। लेडीज नहीं है? अच्छा, ये दादी हमको मिली, ये भाई है, थोड़ा बात करो ना भाई, इधर आओ, इधर आओ, आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लीजिए। कैसे? अच्छा, आपके बारे में, उसके बारे में नहीं पूछेंगे, मम्मी कौन है, पापा कौन है, हम ये कहेंगे कि आप लोग युवा हैं, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, तो वही, आप मुंह तोप के आ जाइए।
अरे स्कूलिया लड़की है वो, हम बीएड की स्टूडेंट है। अच्छा तो आप सिर्फ माइक कैमरे में बताइए, सिर्फ बोल दीजिए। नहीं हम नहीं बोलेंगे, आवाज भी नहीं देंगे। नहीं ये कह सकते ना किसी मोहल्ले में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि इसका विरोध होना चाहिए? कि विरोध किस लिए होना चाहिए कोई मतलब किस लिए? गलत होगा तब ना विरोध होना चाहिए। आपकी नजर में गलत नहीं है? नृत्य कला गलत थोड़ी, नृत्य कला आपको यूनिवर्सिटी से भी तो निकालना पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी में भी तो हो रहा है ना। हाँ। कई लोग बीए कर रहे हैं। अच्छा फिर ये कहाँ से उभरा, अभी तो कोई नहीं जानता था बस का। ये जो करता है अचानक से ट्रेंडिंग में कैसे आ गया फिर ये? वो सब पैसा लेते थे। अच्छा पैसा नहीं है तो मतलब आप वो लोग आ जाएंगे ना तो आप नीचे आप वो लोग नहीं है बाहर भी नहीं, हम लोग आदिवासी में आए हैं। हाँ हम लोग नहीं रहते बाहर पढ़ते हैं महिला डिग्री कॉलेज से। अच्छा अच्छा ये चीज अच्छा हो गई कि आप युवा हैं, आपके मोहल्ले में इस तरह की चीजें हो रही है तो आप कहती हैं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संगीत को बढ़ावा दे रहा है, नृत्य कला को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से पहले मुगलों के जमाने में होता था, गंधर्व लोक में जिसे कहेंगे कि स्वर्ग लोक में जिसे अप्सराएं नाचती थी, उस तरह का आप लोग सिर्फ नृत्य करते हैं। अच्छा कल परसों तक आएंगी अभी? मत करिए, बता रहे हम आपको। नहीं नहीं हम आपको नहीं कर रहे, वो हमारा कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको एडिट कर देंगे। आप आई नहीं रही हैं, आप आई नहीं रहे तो आपका क्यों करेंगे? करिए मतलब। हाँ ये भाई साहब हैं, ये बताएंगे इसके। मैं तो कैमरे पे आऊंगा नहीं, एक्चुअली मेरा जॉब है, मुझे कैमरे से काम को मैं आपको किस काम जॉब करते, किस में कहाँ आप जॉब? वो छोड़िए ना, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, मैं इतना डिटेल आप लोगों को नहीं दे सकता। मैं सिंपल सी एक बात बताऊँ, वो आएंगे दो तीन दिन में, आप लोग उनसे मिल लीजिएगा ठीक है? अच्छा यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी लिखा है, इनके अंदर ब्यूटी पार्लर भी चलता है क्या? जी ये मेरा हमारा घर, आपका ब्यूटी पार्लर है ये? यहाँ से वहाँ तक हम लोगों का घर है ये। अच्छा जी उनका घर सब आगे है, बताया ना आपको, गई हैं सब बाहर, मिल जाएंगे आपको कल पर, कल के बाद आइएगा तो मिल जाएंगे। अच्छा जी जी अगवा का ये लोग नहीं बता रहे तो ऐसे वो भी इन लोग नहीं बताएंगे ना, है नहीं तो कौन बताएगा आपको? और इतना कैमरे पे लोग मैं तो फ्रस्ट्रेट होके कैमरे पे नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत बार बहुत हो गया है, इतना यूट्यूब चैनल चल गया है यहाँ पे ना, जिसको देखो वो आता रहता है तो कितनी। अच्छा, बात ये आप बता दीजिए कि ट्रेंडिंग में कैसे अचानक से नाम इसका कैसे बाहर में निकल गया? जी ये सब मुझे नहीं पता, इतने डिटेल मुझे नहीं पता। मैं सिंपल सा आपको ये बताऊँ, मुझे नहीं पता इस बारे में कि कैसे ट्रेंडिंग हुआ, कहाँ चला, क्यों चला। नहीं इसके पीछे तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी जो बाहर निकली है चीजें। आप कल परसों आइए, वजह जान लीजिएगा उनसे। हाँ कल परसों कहाँ तक लोग गए हैं? बाहर गई हैं, मुझे बता के थोड़ी जाएंगे मैडम, मुझे बता के थोड़ी गई कि कहाँ गई हैं, इतना जानता हूँ है नहीं अवेलेबल वो। तो ये रहे इसी एरिया में लोग बता रहे हैं कि यही उन्हीं लोगों का घर है जो यहाँ पे मुजरा करती हैं या फिर जो भी करती हैं, जो ट्रेनिंग में चल रहा है, दे धंधा करती हैं या फिर मुजरा करती हैं उस तरह की चीज़ें। दे धंधा दादी बोल रही हैं कि नहीं होता है लेकिन हाँ। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, हमने इनसे बात करी, ये लोग साफ इनकार कर रही है कि हम लोग सिर्फ जैसे मुगलों के समय में नृत्य हुआ करता था उसी तरह से अप्सराएं करती थी स्वर्ग लोक में, वैसे ही लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं। यहाँ पर दादरा ठुमरी गायन जिस तरह की आप लोग फिल्म में देखते हैं उस तरह की गायन होता है और एक महफिल सजती है, इन लोगों का यही कहना है। तो रही मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।